रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के आदेशों का संबंधित विभाग अधिकारी एवं ठेकेदार कितना पालन करेंगे ये अब देखने वाली बात होगी। जिस प्रकार से पीएमजीएसवाई विभाग की ग्रामीण सड़कों की बदहाल स्थिति है उससे नहीं लगता कि सड़क गुणवत्ता के साथ गड्ढा मुक्त होगी। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सड़कों की गुणवत्ता को लेकर कमर कस ली है। जिलाधिकारी ने जनपद की सभी सड़कों को 14 नवंबर 2022 तक गड्ढा मुक्त करने के उद्देश्य से जिला कार्यालय कक्ष में एनएच लोक निर्माण विभाग पीएमजीएसवाई के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने सड़क से जुड़े सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उनके अधीन जो भी सड़कें हैं उन्हें गड्ढा मुक्त करने के लिए पैच वर्क का कार्य किया जाना है। ऐसे सभी सड़कों को प्राथमिकता से चिन्हित कर उनमें 14 नवंबर तक पैच वर्क करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही न बरती जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है कि आम जनमानस को आवाजाही में किसी प्रकार की असुविधा न हो एवं सड़क में गड्ढे होने से कोई दुर्घटना घटित न हो। इसके लिए स्पष्ट निर्देश है कि सभी सड़कों को तत्परता के साथ गड्ढा मुक्त किया जाए ताकि आम जनमानस को आवाजाही में किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। जिलाधिकारी ने आम जनता से भी अपेक्षा की है कि यदि उनके क्षेत्र में सड़क में कहीं गड्ढे हैं तो वह संबंधित अधिशासी अभियंता को सड़क को तत्परता से गड्ढा मुक्त करने के लिए उनका दूरभाष नंबर पर अवगत करा सकते हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी क्षेत्र में से उनके दूरभाष नंबर पर क्षेत्रीय जनता द्वारा सड़क मरम्मत के संबंध में कोई भी फोन आता है तो उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उसे शीर्ष प्राथमिकता से करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि आम जनता की ओर से किसी अधिकारी द्वारा समय पर कार्य पूर्ण न करने की शिकायत जिला प्रशासन को मिलती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने एनएच के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सड़क निर्माण कार्य से यातायात बाधित न हो। इसके लिए जरूरी है कि रोड कटिंग से भी जो मलबा आ रहा है उसे तत्काल हटाकर डंपिंग जोन में निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जनपद में रोड चौड़ीकरण के सर्वे में शामिल जमीन घर समेत अन्य निर्माण कार्यों के प्रभावितों को तत्परता से मुआवजा उपलब्ध कराते हुए सड़क के कार्य शीर्ष प्राथमिकता से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। ये भी निर्देश दिए कि सड़क किनारे जो भी अतिक्रमण किए गए हैं उन अतिक्रमणों को भी तत्काल हटाने की कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने उपजिलाधिकारी को भी निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्रांतर्गत निरंतर सड़कों एवं वहां चल रहे कार्यों की मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें। यदि किसी कार्यदायी संस्था एवं ठेकेदार द्वारा उचित कार्य नहीं किया जा रहा है तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, उपजिलाधिकारी रुद्रप्रयाग अपर्णा ढोंडियाल, ओकिमठ जितेंद्र वर्मा, अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग निर्भय सिंह, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग जीत सिंह रावत, ओकिमठ मनोज भट्ट, अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई रुद्रप्रयाग कमल सिंह सजवाण, जखौली मनमोहन बिजलवाण सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड समाचार के लिए रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट।